जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जनाब, कल तक जो देखा था उसमें कोई क्वेश्चन दिखे था? कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ग्रेट। अच्छा, कल हम पहुंचे थे प्रोडक्शन तक कि जनाब हमारे पास रिसोर्सेज, नीड्स, वो सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गई और टाइप ऑफ रिसोर्सेज की भी समझ आ गई, स्केयरसिटी की भी समझ आ गई कि रिसोर्स स्केयर्स होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, महदूद तादाद के अंदर है। तो वो स्केयरसिटी का कॉन्सेप्ट भी हमें पता चला, रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया हमने, प्रोडक्शन के हवाले से आप कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। फिर हम देखना चाह रहे थे कि प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के अंदर फिर हम देख रहे हैं कि जनाब ये तो सारी बातें आपकी ठीक हो गई कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कल हमने बात की थी कि सर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको के यूज करके हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, वो प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको के मिला के हम प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए का जहूर पजीर करते हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उन फैक्टर्स को इकोनॉमिस्ट चार हिस्सों में तकसीम करते हैं, चार कैटेगरीज, चार डिफरेंट टाइप्स में तकसीम करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं जी? कहते हैं जनाब सबसे पहले लैंड। जब भी आपने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास लैंड होने चाहिए। अब लैंड के अंदर कौन से रिसोर्स लेते हैं, कौन सी चीज लेते हैं रेंट लैंड के अंदर? सभी नेचुरल रिसोर्सेस, ऑल रिसोर्सेस गिवन बाय द नेचर। हम फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर क्या देख रहे हैं कि जनाब एक प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जो कल आप बात कर रहे थे कि जनाब जब आपके पास जमीन मौजूद है उससे आपने गंदम उगानी है तो आपको पहली बात है कोई जमीन चाहिए। अगर आपके पास जमीन ही नहीं है तो गंदम उगाने का कॉन्सेप्ट आप चला ही नहीं सकते। तो पहला हमें लैंड का समझ आई। फिर उसके बाद हमें कहा कि जब जमीन होगी तो उसके बाद लेबर, कोई शख्स उसके ऊपर एफर्ट भी करे, कोई ह्यूमन एफर्ट्स उसके ऊपर चाहिए होंगे, ह्यूमन एफर्ट्स। अगर ये ह्यूमन एफर्ट्स नहीं होंगी, आप उगाएंगे नहीं, बीज को बोएंगे नहीं, उसको पानी नहीं देंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो आप जमीन से गंदम नहीं उगा सकेंगे। फिर कहा जनाब ये बातें तो आपकी समझ आ गई, लैंड और लेबर की तो बात समझ आ गई, लेकिन कहा इसके अलावा जो बीज खरीदना है उसके लिए, जो आपने बीज को बोना है उसके लिए आपको कोई हल चाहिए होगा, उसके लिए कोई आपको औजार चाहिए होंगे। अगर वो औजार नहीं होंगे, वो हल आपके पास नहीं होगा, फिर जब आपने कटिंग कट करना है, उसको रीप करना है, अपनी जो आपकी फसल है उसको जब काटना है उसके लिए भी आपको औजार चाहिए। विदाउट दोज मशीन, दोज थिंग्स, आपका एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकेगी। तो वो जो हल है, वो जो औजार हैं, वो जो द्रांती है, वो जो कई है, डिफरेंट जो चीजें यूज की जा रही हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है। हल अल्लाह ताला ने कहीं पे उगाना नहीं है, उसको क्या करना है, किसी शख्स ने हल
प्रोड्यूस किया था, वो द्रांति, वो कई, वो बाकी औजार जो उसके अंदर इस्तेमाल करने, वो किसी शख्स ने, हमने ह्यूमन बिल्ड है वो, उसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल कैपिटल चाहिए जनाब, जो ऐसे रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कोई मशीनरी चाहिए, कोई ट्रैक्टर चाहिए, कोई आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई गधा गाड़ी चाहिए, कोई कोई जो भी चीजें ह्यूमन मेड है लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो इस्तेमाल होनी जरूरी है, दैट बी क्लासिफाइड एज कैपिटल। और फिर क्या जनाब, ये सारी बातें तो आपकी हम मान लेते हैं कि जमीन भी आ गई, लोगों ने कोशिश भी कर ली, आपने आपको वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी कैपिटल की सूरत में वो चाहिए, वो भी आपको मिल गया। लेकिन इन सब को चलाने के लिए ये कोई किस तरह से कोई सोचेगा कि किस जमीन को मैंने इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर गंदम उगानी है, फिर वो लेबर को इंगेज करेगा, फिर वो कैपिटल को इंजेक्ट करेगा, कैपिटल एक्वायर करेगा, खरीदेगा, उसको यूज करने के लिए प्रोवाइड करेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, बाकी तीनों फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स इन इट्स ओन सेल्फ एज एट देयर ओन, ये कैन नॉट कंबाइंड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, समवन हैज टू इंगेज इन कंट्रोलिंग दीज रिसोर्सेज, इन पुटिंग दीज रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करना है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए फंड अवेलेबल करने हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, उस एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर। ये जो इंगेजेस एंड कंट्रोल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अदर FOP, ये बाकी, ये एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर बाकी लोगों को, बाकी प्रोडक्शन प्रोसेस को, प्रोडक्शन फैक्टर्स को इंगेज करता है, कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर ये नहीं हो तो जमीन चाहे जितनी मर्जी पड़ी हुई हो, उसके ऊपर लोग भी बेताशा हो, उसके ऊपर जो ह्यूमन कैप बनाई हुई वो भी पड़ी हुई हो, हल भी पड़े हुए हैं, मशीनरी भी मौजूद हो, लेकिन उन सब को डायरेक्शन कोई ना दे तो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकेगी। तो ये चार डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन चार डिफरेंट टाइप्स काइंड्स के अंदर क्लब कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और लैंड के अंदर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो जमीन है वो भी, जो आपके दरिया से पानी है वो भी, जो आपके पहाड़ हैं, जो आपके दरख्त उग रहे हैं, कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसको ह्यूमन ने जनरेट ना किया हुआ, वो सब लैंड के अंदर क्लब कर लेते हैं हम प्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझने के लिए। क्लियर है जी? ये इकोनॉमिस्ट भाई हमें यहां तक समझा देते हैं। अच्छा, अब ये तो समझ आ गई सर कि ठीक हो गया, दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हम एज एन इकोनॉमिस्ट समझना चाहते हैं कि यार आपके गिवन रिसोर्सेज से आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब समझ आ रही है ना कि यार हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट फिर ये थिंकिंग की कि यार ये बात तो आपकी ठीक है, रिसोर्सेज हैं उनको, लेकिन हाउ मच वी कैन प्रोड्यूस। आप पूरी दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं इनसे कौन सी चीज कितनी प्रोड्यूस की जा सकती है, कोई इसको सोचा जा सकता है, इसके हवाले से कोई डिस्कशन की जा सकती है,
कोई इसको इसको हम थॉट आउट कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कोई हमें आइडिया हो सके कि ह्यूमन बिहेवियर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो किस तरह से होता है। तो उसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिस्ट ने कहा जी कि एक थ्योरी हम आप समझ लेते हैं। तो उससे जब उन्होंने उसके ऊपर सोचा, सोच विचार की, चीजें देखी, तो उनको समझ आया कि जनाब सोच विचार की तो समझ आया कि जनाब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर हम इन सब रिसोर्सेज को, इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं वो चीजों को आसान कर लेते हैं समझने के लिए, समझने के लिए आसान कर लेते हैं। हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने में हमें इस चीज को ख्याल जरूर रखना है कि हमने जो कल बात की थी, क्योंकि ये सोशल साइंस है, इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर का एलिमेंट है। ह्यूमन बिहेवियर के एलिमेंट की वजह से वेरिएबल और इम्पैक्ट्स ऑफ उसके डिफरेंट नतायज वो बहुत सारे, लेकिन तमाम रैशनल लोगों का बिहेवियर एक जैसा होगा, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी? हाँ जी, जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं या फिजा और नुमान ही जाग रहे हैं? फोजिया भी जाग रही है, रमदान अलीश, चलें जी हमदान आप भी जाग जाएं बराए मेहरबानी। अच्छा, तो हम अगर तो हम ये देखना शुरू करें कि जनाब पूरी दुनिया में कितने रिसोर्सेज हैं, उससे हम कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए बनाएं कि प्रोडक्ट बी बनाएं या सी बनाएं या डी बनाएं, वो तो बेतहाशा प्रोडक्ट है, तो हम किसी कंक्लूसिव डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एक उन्होंने थ्योरी पेश की, उन्होंने कहा जी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जिसको उन्होंने कहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, दो नाम देते हैं इसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दो डिफरेंट है, बात एक ही है, पीपीएफ कह लें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दो डिफरेंट नाम है लेकिन बात दोनों में एक ही करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप काम को आसान करें, मुश्किल ना करें काम को, ज्यादा आप अगर मुश्किल कर लिया तो मसाइल हो जाएंगे आपके लिए, तो काम आसान करते हैं, सादगी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि हम बजाय इसके कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स और उनकी बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, सिर्फ दो प्रोडक्ट्स ले लें, वी विल बी डिस्कसिंग ओनली टू प्रोडक्ट्स चॉइस ऑफ प्रोडक्शन। उसने कहा जी कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने रिसोर्सेज हैं आप दो प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको लगा सकते हैं, या सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोडक्ट ए बनाने पे लगा दें, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी, या आधे रिसोर्सेज प्रोडक्ट ए पे लगा दें, आधे प्रोडक्ट बी पे लगा दें, 10% रिसोर्सेज प्रोडक्ट ए पे लगा दें, 90% रिसोर्सेज प्रोडक्ट बी पे लगा लें, डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को
इन दो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आसान कर लिया ना आप समझने के लिए कि प्रोडक्शन में हमारी हमारा बिहेवियर किस तरह से होता है, हम उसको आसान कर लिया। अब उसने कहा कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे 100% एक पे कर लें, चाहे 50-50 कर लें, चाहे 10-20 कर लें, 10-90 कर लें, 20-80 कर लें, 15-85 कर लें, वट एवर द कॉम्बिनेशन यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज इट। अब उस में बिहेवियर कैसा होता है, हमने अभी कल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी थी ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि अगर हम एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो दूसरी ऑप्शन हम फोरगो कर देते हैं, ऐसा ही है। अगर हम अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम फॉर एग्जाम्पल हमारे 100% प्रोडक्शन प्रोसेस हमने ए के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर दिया, अपने रिसोर्सेज सारे के सारे ए के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के ऊपर हमने 0% प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए, तो बी की 0 प्रोडक्शन की ए के फॉर एग्जाम्पल हमने 100 की प्रोडक्शन कर ली। और इसी तरह से एग्जाम्पल है कि बी में हमने 100% रिसोर्सेज बी में यूज कर लिए, और बी की फॉर एग्जाम्पल हमारे 100% यूज करके बी 10 की प्रोडक्शन कर सके। तो जब हमने बी में 100% यूज किए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, हमने ये फोरगो कर दिए, यहां पे हमें 0 प्रोडक्शन मिली। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब अपॉर्चुनिटी है कि इफ यू वांट टू गेट 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए यू विल हैव टू सेक्रीफाइस 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, क्योंकि आप 0 यूनिट्स प्रोडक्ट बी के ले पाएंगे। और वाइस वर्सा, इफ यू वांट टू हैव 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी यू विल हैव टू सेक्रीफाइस 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, क्योंकि आप 100 यूनिट्स नहीं उसके प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज आपने प्रोडक्ट बी की प्रोडक्शन के लिए एलोकेट कर दिए हुए हैं, आप प्रोडक्ट ए के ऊपर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अब दूसरा एक इसमें इसी के आगे थोड़ा सा जो आप टेक्निकल एलिमेंट है, जो टेक्निकल एलिमेंट है थोड़ा सा उसमें, सर ये बात तो आपकी ठीक है कि हम 100% को अगर एलोकेट करते हैं, 100% फोरगो कर देते हैं तो हमारी बात समझ आती है, दुरुस्त, आपने सही बात कही। लेकिन अगर मैं 50% रिसोर्सेज अपने प्रोडक्ट ए के लिए यूज करूं और 50% रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, 50% रिसोर्सेज अपनी प्रोडक्ट बी के लिए यूज करूं, तो फिर मुझे क्या रिजल्ट मिलने चाहिए? 50% रिसोर्सेज प्रोडक्ट ए के लिए और 50% रिसोर्सेज प्रोडक्ट बी के लिए यूज करूं, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने चाहिए? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? 50% रिसोर्सेज मैंने प्रोडक्ट ए के लिए यूज किए और 50% रिसोर्सेज प्रोडक्ट बी के लिए यूज किए, सिंजा का ख्याल है 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए और 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, बाकी लोगों का? अलीशा का भी यही ख्याल है? बाकी को हिम्मत करेगा कि हम उसी से जवाब का इंतजार करेंगे? अच्छा, नुमान ने भी हिम्मत की, 50 और 5, ठीक है। अच्छा जी,
सभी का मेरा ख्याल है कंसेंसस हमारा क्लास में ये बन रहा है कि सर अगर 50% आपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए प्रोडक्ट ए के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो 100 यूनिट्स उसके प्रोड्यूस होते अगर हम 100% रिसोर्सेज इस्तेमाल करते तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होते। अब आपने क्योंकि 50% रिसोर्स इस्तेमाल किया तो उसका जितने यूनिट प्रोड्यूस होने थे उसका हाफ कर लें तो आप 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे। और इसी तरह से सेम गोल थे कि आप 100 जब यूज करते थे तो 10 यूनिट्स बनते थे, जब आप 50% यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज तो 5 यूनिट्स बन जाएंगे। लेकिन सर इसमें जो टेक्निकल एलिमेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि आपके सारे रिसोर्सेज हर प्रोडक्ट बनाने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी दफा ये यूज करते हैं, इफ प्रोडक्ट ए इज गन्स है एंड प्रोडक्ट बी इज बटर, तो आपके जो रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, आपके मेटल भी आ जाएगी, आपके आपके मशीनरी भी आ जाएगी, आपके ह्यूमन भी आ जाएंगे जो कि गन्स बनाने के माहिर हैं, कोई बटर बनाने के माहिर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, आपके रोड्स हैं, आपकी सारे रिसोर्सेज। तो वो सारे रिसोर्सेज जो आप कह रहे हैं कि आपने अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज गन्स बनाने के लिए लगा दिए, तो भाईजान उसके अंदर जो बटर बनाने वाला जो बैफलो है, जो दूध है, उस रिसोर्स का तो गन बनाने के अंदर कोई अमल दखल ही नहीं है, उस रिसोर्स का गन्स की प्रोडक्शन के लिए तो कोई फायदा ही नहीं है, ऐसा ही है। और इसी तरह आपकी जो मशीन्स हैं, हो सकता है बड़ी बड़ी मेटल्स हैं, आपके जो खेत हैं, गंदम है, आपके मादनियात है, उसका शायद बटर बनाने के लिए कुछ फायदा नहीं है। तो रिसोर्सेज की एफिशिएंसी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज डिफरेंट। आप ये नहीं कह सकते जो अभी हमने यहां पे आपने जिस नतीजे से निकाला था कि अगर 100% रिसोर्सेज आपने इसको प्रोड्यूस करने पे लगाए तो 100 था, आपने अगर 50% रिसोर्सेज लगाए तो 50, तो ये आपका अजम्पशन ये थी कि तमाम रिसोर्सेज तमाम प्रोडक्ट बनाने के लिए इक्वली एफिशिएंट हैं, ये आपकी अजम्पशन थी इस नतीजे पर पहुंचने के लिए। लेकिन जब हम एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन देखते हैं तो ऐसा नहीं है, हमारे तमाम रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। कुछ रिसोर्सेज गन्स बनाने के लिए बेहतर होंगे और कुछ रिसोर्सेज बटर बनाने के लिए बेहतर होंगे, उनके दरमियान में इक्वल एफिशिएंसी नहीं पाई जाती। तो हमें ये आइडिया हुआ कि जनाब अगर आप 50% रिसोर्सेज इस पर यूज करें, 50% रिसोर्सेज इस पर यूज करें, तो हो सकता है कि इसके आप 75 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और इसके आप 7 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, एफिशिएंसी बढ़ गई है। क्यों? गन्स के ऊपर आपने गन्स बनाने वाले रिसोर्सेज यूज किए, बटर के ऊपर आपने बटर बनाने वाले रिसोर्सेज यूज किए। अब अगर आप 75 या फॉर एग्जांपल 100% ही देखें, यहां से 100% रिसोर्स यूज करते हैं तो सिर्फ 7 से 10, बाकी 50% से 3 यूनिट्स का ही सिर्फ इजाफा हो पा रहा है। यहां से आपने 100 यूनिट्स परसेंट किया तो 75 से 100 सिर्फ 25 यूनिट्स का इजाफा हो पा रहा है। पहले 50 यूनिट से 75 यूनिट्स का इजाफा हो सका था 50% से, अगले 50% से सिर्फ 25% का इजाफा हो पाया। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज वो थे जो कि गन्स बनाने के लिए उतने एफिशिएंट नहीं थे। पहली प्रायोरिटी के अंदर जब आप 50-50 की तकसीम की, उस वक्त आपने गन्स बनाने वालों पे गन्स के एफिशिएंट रिसोर्सेज लगा दिए, बटर के लिए आपने बटर के लिए एफिशिएंट रिसोर्सेज लगा दिए।
और अल्टीमेटली जब आप 90% पे पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आप जो बैफलोज काउज दरख्त उसको आप गन्स की प्रोडक्शन के लिए यूज करें तो उससे कोई हमारे प्रोडक्शन के अंदर इजाफा ना हो सके। क्लियर है जी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, एफिशिएंट रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्स की डिफरेंट एफिशिएंसी है। और एक सवाल इसके अंदर और भी वो करता है कि जनाब आपके स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे कैसे डिस्कस हुआ? तो भाई ये स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही हो रहा है कि आप एक 100 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाईजान? हमारे पास रिसोर्स स्केर्स है। अगर हम 100 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहें गन्स तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। हम स्केर्स रिसोर्सेज की वजह से, रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अपने प्रोडक्शन को अनलिमिटेड नहीं कर सकते। देर मस्ट बी सम लिमिट। हर रिसोर्स, हर जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो हमारी किसी ना किसी लिमिट के अंदर कैद हो जाती है। हमारी, हम तो ये चाहेंगे कि हमारी प्रोडक्शन की कोई लिमिट ना हो, हम जितना मर्जी चाहे वो प्रोड्यूस करना चाहे कर सकें, लेकिन हमारी प्रोडक्शन की लिमिट आ जाती है। क्यों लिमिट आ जाती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स स्केर्स हैं, थोड़े हैं। उन स्केर्सिटी की वजह से वी आर कंपेल्ड टू लिमिट आवर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमारी लिमिट में आती है। अच्छा जी, फिर इकोनॉमिस्ट में आगे भी हमने बेतहाशा दफा इस्तेमाल करना है इसको, और ग्राफ के जब जनाब ये बात आ गई तो हर इकोनॉमी के अंदर हर जगह पे कोई नंबर्स तो एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन इस थिंकिंग से, वी कैन ड्रॉ सम कर्व। हम कुछ कर्व ड्रा कर सकते हैं। इस जो अभी हमारे पास थिंकिंग आई है, इस थिंकिंग की बेस के ऊपर वी कैन इजीली ड्रा सम कर्व कि जनाब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जो कर्व है उसकी शक्ल कैसी होगी, हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक, उसकी शक्ल कैसी होगी, किस तरह की होगी। तो उसके लिए जरूरी है हमें 3 कर्व्स को समझना, जिसको कि हमें बाद में भी इस्तेमाल बहुत सी जगहों के अंदर करना है कि कर्व्स की जो शक्ल है उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये दो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड किया जा रहा है, इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व इकोनॉमिक्स में आपको देखने में मिलेंगी। कौन कौन सी हैं जी? एक तो आपकी कर्व है, इफ वी हैव, मैं इसको यहां पे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज जीरो, जीरो एंड जीरो। एक है आपकी कर्व स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व एक कर्व है, बाकी इधर ही साथ साथ कर लेते हैं। एक कर्व है आपकी कॉन्वेक्स, और एक कर्व है आपकी कॉनकेव। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व है। अब इन कर्व्स के मायने क्या है, मतलब क्या है, वो जरा समझना जरूरी है। एक दफा आपको यहां पे समझ आ गई तो आगे बहुत सी जगहों के अंदर हमने इस्तेमाल करना है तो वहां पे आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब हमने यहां पे बात कही
कि जनाब ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इससे हम मायने क्या ले रहे हैं? इसका मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है जनाब कांस्टेंट स्लोप है। कांस्टेंट स्लोप, स्लोप का पता है ना, स्लोप क्या होती है? यार आज मुझे सीढ़ियां बहुत मुश्किल से चढ़ सका क्योंकि सीढ़ी की स्लोप बहुत ज्यादा थी। स्लोप, ये स्लोप, ये भी स्लोप, ये स्लोप होती है। स्लोप का आइडिया कि नहीं आइडिया? जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है उनको तो थोड़ा सा आइडिया होगा, जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैट्रिक में भी कहीं कहीं भी हमने पढ़ा होगा स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व और उस तरह की बातें हमने देखी होंगी। अच्छा, स्लोप का आइडिया है, चलें, ग्रुप। तो यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट स्लोप है। कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या है कि जनाब जो आपकी कर्व है ये स्लोप एक जैसी है, पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक आते आते सेम स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है। और कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट स्लोप का मतलब है कि आपकी सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्क नहीं आ रही। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जी, स्लोप मीन चेंज, जी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एफ एक्स, हम इसको स्लोप कहते हैं। सैक्रिफाइस कांस्टेंट स्लोप, स्लोप को हम चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स कहते हैं। ये एक रेशियो का नाम हमने स्लोप रखा हुआ है कि जनाब वाई के अंदर कितनी चेंज आई है वाई एक्सिस के ऊपर, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो इसको इधर भी देखें और इसको इस पॉइंट पे भी देखें, चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर यू विल गेट दिस सेम, जी स्लोप सेम है। इसका ये मतलब हम ले रहे हैं, नथिंग एल्स। स्लोप से हम अपनी जो कर्व है उस कर्व को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्लोप की मदद लेते हैं। क्लियर है जी? कोई इसमें मुश्किल तो नहीं? क्योंकि यहां से ये काफी हमने आगे काफी कॉन्सेप्ट को हमने आगे इसको यूज करना। अच्छा जी, कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्लोप का मतलब है वी हैव सैक्रिफाइस, कांस्टेंट सैक्रिफाइस, कांस्टेंट सैक्रिफाइस। जहां पे हमने ये देखा था ना जी कि आपने कहा था दिस इज 50 एंड दिस इज 5, यानी कि कांस्टेंट रेशो, रेशो कांस्टेंट होती, एक जैसी एफिशिएंसी होती रिसोर्सेज की, तो वहां पे हमारी कर्व वुड हैव बीन एन स्ट्रेट लाइन। अगर तो कांस्टेंट हमारी सैक्रिफाइस होता, हमारा कांस्टेंट स्लोप होती, कांस्टेंट सैक्रिफाइस होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड हैव बीन कांस्टेंट, तो वहां पे हमारी स्लोप वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं ताकि आप जरा ग्रैब कर ले मेरे साथ साथ, नहीं कोई गुम ना जाए, कोई सो ना जाए, इतना ऐसा भी ना चलूं कि कोई सो ही जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं जगा रहा हूं। माइक टेस्टिंग 1 2 3। अच्छा जी, फिर दूसरी तरफ आ गया हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? कॉन्वेक्स में डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है? चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, यहां पे देखें इतना, यहां पे चेंज इन वाई थोड़ी, चेंज इन एक्स, यहां पे चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स। तो कॉन्वेक्स में आपकी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
decreasing opportunity cost. Decreasing opportunity cost का मतलब क्या है कि जो हमने ये बात कही थी कि जनाब sacrifice हमें करना पड़ेगा, हमारा अगर sacrifice करते 75 की जगह जब हम additional 50 units हम लगाते तो इससे हम 35 units कर सकते और इसके ऊपर 50 units लगा के सिर्फ हम 4 units कर सकते. हमारी opportunity cost अभी decrease हो रही है और अभी हम जो सेक्रीफाइस किया उस सेक्रीफाइस से हम लिमिट कम इस्तेमाल कर पाए, कम अपने आप को रिड्यूस इंक्रीज कर सकें. तो इसकी वजह से दिस इज स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इज डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका ये इम्पैक्ट है. एंड दूसरी तरफ जब हम यहां पे देखते हैं आवर कॉन्केव, दिस इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्लोप इज इंक्रीजिंग. आप देखें ये स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, यहां पे स्लोप डिक्रीज कर रही है, फ्लैट होने के नजदीक आ रही है. यहां पे फ्लोट स्लोप इंक्रीज कर रही है, फ्लैट थी फ्लैट से इंक्रीज होती जा रही है, स्लोप इंक्रीज कर रही है. यहां से स्लोप, यहां पे स्लोप ज्यादा थी, फ्लैट होने के नजदीक जाती जा रही है. क्लियर है कि नहीं? डिक्रीजिंग स्लोप और किस सूरत में इंक्रीजिंग स्लोप. इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप मीन्स इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी पीपीएफ होगी. क्यों पीपीएफ होगी? क्योंकि हमारे ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि हम एक प्रोडक्ट के लिए बेहतर यूज कर सकते थे, वो जब हम रिसोर्सेज अपनी प्रोडक्ट पे लगा चुके होंगे, उसके बाद अगर हम रिसोर्सेज प्रोडक्ट एक्स के लिए और भी लगाएंगे तो हम उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं जनरेट कर सकेंगे. अच्छा एग्जाम्पल देखें, यहां पर देखें Y के अंदर थोड़ा सा फर्क आया, X के अंदर कितना ज्यादा फर्क आया. और यहां पे देखें Y के अंदर फर्क आया, X में बिल्कुल फर्क नहीं आया. Y में फर्क आया, X में बिल्कुल फर्क नहीं आया. शुरू में Y के अंदर थोड़ा सा फर्क, X में बहुत ज्यादा फर्क. बाद में Y के अंदर फर्क लेकिन X में कोई फर्क नहीं. रीजन उसकी क्या है कि Y के ऊपर जो प्रोडक्ट जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे थे वो वाई के लिए एफिशिएंट थे, लेकिन जब उसको हमने शिफ्ट किया एक्स के ऊपर तो एक्स के लिए एफिशिएंट नहीं थे. इसलिए हमें एक्स की प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा इजाफा नजर नहीं आता, लेकिन वाई की प्रोडक्शन के अंदर कमी हमें नजर आती है. क्लियर है? यहां पे देखें स्टार्ट में वाई हमने थोड़ा सा चेंज किया, एक्स हमें बहुत ज्यादा मिल गया. क्यों? क्योंकि हमने वो रिसोर्सेज जो कि एक्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल थे उनको एक्स की प्रोडक्शन के ऊपर शिफ्ट कर दिया. और एंड पे पहुंचते हमारे वाई के अंदर तो फर्क आया लेकिन एक्स के अंदर कोई फर्क नहीं आया. रीजन उसकी क्या है कि वाई वाले के लिए एफिशिएंट रिसोर्सेज को हमने एक्स के ऊपर शिफ्ट किया, उससे वाई की प्रोडक्शन तो रिड्यूस हो गई लेकिन एक्स की प्रोडक्शन के अंदर कोई खातिर इजाफा नहीं हुआ. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन और विल कॉन्केव टू द ओरिजिन. कॉन्केव होगी, दिस विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन एंड दिस विल बी आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. क्लियर है जी? हम किस नतीजे से पहुंच रहे हैं ये देखें. इकोनॉमिस्ट भाई ने क्या किया, उन्होंने बड़े तरीके के साथ बड़े मामलात को समझते हुए उन्होंने कहा दी कि कोई एग्जांपल तो हम जनरेट नहीं कर सकते नंबर्स के साथ कोई इस तरीके की, लेकिन हम आपको एक पैटर्न बता सकते हैं कि ह्यूमन किस तरीके के साथ अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जरिए से हम एक पैटर्न आपको बता सकते हैं और उस पैटर्न के जरिए से यू कैन डिटरमिन एनीथिंग. आपको जब पता चल गया
कि जनाब दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर फ्रंटियर। आप उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से डिफरेंट आपने नताइज आहस करने, दिस इज आवर पीपीएफ, ये हमारा पीपीएफ है, किसी एक कंट्री का, किसी एक इकोनॉमी का प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के दरमियान पीपीएफ एक है। तो ये पीपीएफ की, तो अब हमें समझ आ गई दैट विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। जी इसमें तो कोई इशू नहीं है, आप पीपीएफ विल ऑलवेज बी कॉन्केव टू द ओरिजिन, एक बात कॉन्केव, और देन विल हैव नेगेटिवली स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग स्लोप, सॉरी इंक्रीजिंग स्लोप डाउनवर्ड इंक्रीजिंग स्लोप अपॉर्चुनिटी कास्ट क्योंकि इंक्रीज हो रही है। ये दो खसूसियात हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हवाले से क्लियरली पता चल गई। अब उसके अंदर कहते हैं जी अच्छा डिफरेंट, ये एग्जाम में काफी दफा पूछा जा चुका हुआ है कि जी दो एक पॉइंट है पॉइंट एक्स पॉइंट वाई एंड पॉइंट जेड जो कि कर्व के ऊपर है, इन पॉइंट्स का क्या मीनिंग है, इससे हमें क्या समझ आती है। पॉइंट वाई इज अनअटेनेबल, अनअटेनेबल हमारे स्केर्सिटी की वजह से, हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम इतने यूनिट्स ऑफ एक्स और इतने यूनिट्स ऑफ वाई बना सकते हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने रिसोर्सेज अगर सारे लगा भी दें तो हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस को हम अटेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। वाई जो के कर्व के राइट साइड के ऊपर, एनीथिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्व इज अनअटेनेबल अनअचीवेबल, वाई बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशन आवर स्केर्सिटी स्केर्स रिसोर्सेज आवर एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज वो इतनी नहीं है कि हम उसको अटेन कर सकें, इस कॉम्बिनेशन को अचीव कर सके। सो दिस एरिया विल बी एन अनअटेनेबल एरिया, इस एरिया के ऊपर कोई भी आपका कॉम्बिनेशन होगा वो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। एंड एक्स क्या है जी, एक्स अचीवेबल है, एक्स इज एन अचीवेबल एरिया बट इज एन इनएफिशिएंट यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। अगर हम अपने रिसोर्सेज को इतने वाई और इतने एक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो हम अपने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें अपने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते तो हम इस कर्व के ऊपर आ रहे होते। जेड इज द पॉइंट ऑफ ऑन कर्व और विच इज अटेनेबल प्लस एफिशिएंट, अटेनेबल प्लस एफिशिएंट, हम अपने पूरे रिसोर्सेज कंप्लीटली यूज कर लिए हमने। यहां पे इनर साइड के ऊपर हम अटेन तो कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, इतना एक्स इतना वाई हम अटेन तो कर सकते हैं बट हम अपने पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे। अगर हमें पूरे रिसोर्सेज यूज करने हैं तो हमारा जो पीपीएफ के ऊपर पॉइंट लाई करना चाहिए जो कि अटेनएबल भी है प्लस एफिशिएंट यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज है, हमारे तमाम रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूज करके ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मसला इसके अंदर प्रॉब्लम परेशानी जी, हमदान ने भी कह दी कि कोई नहीं है, चलें गुड। अच्छा अब इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है
कि यार ये क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमेशा इसी तरह से ही रहेगा, किसी कंट्री का किसी इकोनॉमी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये समझ आ गई कि दिस इज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर सर्टन इकोनॉमी, क्या ये हमेशा इसी तरह ही रहेगी, एक ही जगह पे कांस्टेंट रहेगी? उसने कहा नहीं, ये फर्क हो सकती है। फर्क किस तरह होगी कि आपके कोई रिसोर्सेज बढ़ गए, आपके कोई आपने टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले अगर आप एक एकड़ से एक टन प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते थे, अब उसी ने आपने अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा बीज, अच्छी कोई आपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए, आपने उस एक एकड़ से दो टन प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो आपके रिसोर्स अगर इफ इक्वली एफिशिएंसी आपने इंक्रीज की पर ऑल द प्रोडक्ट्स, तमाम प्रोडक्ट्स के लिए इक्वली आपने एफिशिएंटली प्रोड्यूस की आपके उस रिसोर्स की इंक्रीज की वजह से, तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विल मूव टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट राइट साइड के ऊपर मूव कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ले सकेंगे। ये आपकी शिफ्ट कर जाएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जब आपके रिसोर्सेज और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए। तो क्या यार ये दोनों ये इसी तरह से पैरेलली शिफ्ट करनी है? नहीं सर, हो सकता है पैरेलल शिफ्ट ना हो। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो गन बनाने के लिए बेहतर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी बटर बनाने के ऊपर कोई नहीं होगा, तो सिर्फ हो सकता है कि वाई एक्सिस के ऊपर आपकी प्रोडक्शन का इजाफा हो, पीपीएफ मूव करे ऑन योर एक्स वाई एक्सिस नॉट ऑन एक्स एक्सिस। और इसी तरह से अगर कोई बटर बनाने के लिए आपने एफिशिएंसी होगी है, गन्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, तो वो आपकी कर्व पीपीएफ विल मूव लाइक दिस। और अगर आपके रिसोर्सेज कोई कम हो गए हैं और दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है सब भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो पैरेलल रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक के ऊपर पड़ रहा है तो वो एक साइड रिड्यूस होगी, दूसरी नहीं होगी, और अगर गन्स के ऊपर नहीं पड़ रहा और उसके ऊपर पड़ रहा तो उसका, दिस इज हाउ आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी इफेक्टेड। This is our production possibility for curve will be affected due to change in our resources, due to change in efficiency of our resources. कोई technology जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं technology में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। पहले production हम manual production करते थे, अब machines के जरिए से करते हैं। पहले हम machines में humans के जरिए से करते थे, अब वो automatic productions आ रही हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज आता है टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर वो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर असर अंदाज हो रहा होगा तो आपकी कर्व पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी, और अगर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर है तो वो इस तरह से मूव करेगी। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको आईकैप में काफी दफा डिफरेंट अंदाज से पूछा जा चुका है। एक तो वो उसने स्केर्सिटी के कॉन्सेप्ट को पूछा, फिर वो ये जरूर पूछता है कि जनाब ये अटेनेबल है, ये अनअटेनेबल है, ये एफिशिएंट है, ये इनएफिशिएंट है, इन चीजों को वो डिस्कस करता है। फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करता है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, कर्व कॉन्केव क्यों होती है, इसकी रीजन क्या है, स्लोप क्यों इंक्रीजिंग होती है, डिफरेंट रिसोर्सेज का की एफिशिएंसी फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट होती है, तो ये चीजें यू मस्ट बी नोइंग आपको पता अब होनी चाहिए। कोई इसके अंदर समझने में मुश्किल आई हो तो बताइए। अच्छा जी, इसको आपने जाके बुक से भी देख लेना। ये चीजें हमने देखी हैं, स्केर्सिटी एंड चॉइस इसको देख लें, रैशनल बिहेवियर को हमने देखा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने देखा है, कैपिटल एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने देख लिया है,
ये हमने आज ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको हमने देखा। क्लियर है जी? मूव किस तरह से करती है, एक एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, वो जो दो बातें हमने कही वो यहाँ पे हमारे पास में आ रही हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फिर इसको एग्जांपल भी एक दी है। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि देखिए एक प्रोडक्ट को में चेंज, जो हम स्लोप की बात कर रहे थे कि एम आर जो हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है विल बी इंक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ वन गुड विच मस्ट बी फॉरगॉन टू गेन वन यूनिट ऑफ द अल्टरनेटिव। जो हमने यहाँ पे बातें की कि अगर हमारे पास ये कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स इसके बने तो 10 यूनिट्स हमने इसके छोड़ दिए, फॉरगॉन किए, तो ये रेट विल बी चेंजिंग फॉर ओवर द पीरियड, ओवर द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी, इसको आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, कोई इसमें मुश्किल लगता है चीज तो फिर हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पेज 23 तक ये सारा कुछ चीजें। ओके जनाब जी, लेट्स कंक्लूड हियर, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह एंड वी विल देन मूव ऑन। अल्लाह हाफिज़।